अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सक्सेस मैप। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि अपने माइंड को कैसे ट्रैक किया जाए कि आप बहुत इजीली उस पर काम कर सको। हम इस लाइव सेशन में ये जानेंगे कि हाउ टू डी ट्रैक एंड ट्रैक योर माइंड टू डू योर ऑन वर्क इन दिस कोविड-19 सिचुएशन, क्योंकि कोविड-19 एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जिससे अब हर कोई डर के अपने घर में बैठ चुका हुआ। घर में बैठना इन द सेंस कि वो काम भी कर रहे हैं लेकिन डर डरा के कर रहे हैं। अगर आप मार्केट में भी निकलते हैं तो मार्केट की सिचुएशंस भी आप देख चुके हैं कि मार्केट में लोग किस तरह डरते हुए अपने मास्क को यूज़ करते हुए चल रहे हैं। एहतियात बेहतर होती है इलाज से, एहतियात वाकई बेहतर होती है काफ़ी चीज़ों से लेके। अब पहला फैक्टर क्या आता है, हाउ वी गुना चेंज द फैक्टर्स, हाउ वी गुना चेंज एंड हाउ वी गुना ट्रैक समथिंग इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इस लाइव सेशन में जो भी आपने चीज़ पूछनी है, हाउ टू ट्रैक योर एनीथिंग, लाइक जब आप काम पे जाते हैं, जब आप अपने घर से निकलते हैं या अपने ऑफिस पहुंचते हैं, तो आप लोगों की सिचुएशंस को देख के आप टोटल ही डर जाते हैं। टोटल डरने के साथ साथ आप ये भी चीज़ सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हाउ यू गोना गेट बैक टू एट योर होम बाय सेफ एंड साउंड। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए और इस करंट सिचुएशन की बात की जाए, तो इस करंट सिचुएशन में लोग कर क्या रहे, इस करंट सिचुएशन में लोग अपने आप को डील कैसे कर रहे हैं, चला कैसे रहे हैं, चल कैसे रहे हैं। अब कंसर्न बहुत ज़्यादा होते हैं, कंसर्न्स इतने इतने आते हैं कि आप इन कंसर्न्स को जब डील करना चाहें तो आप इसको डील भी कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स इन कंसर्न्स को डील भी नहीं किया जा रहा था। तो अब पॉइंट ऑफ कंसर्न ये आता है, हाउ यू गोना ट्रैक समथिंग, हाउ यू गोना ट्रैक योर माइंड एट योर प्लेस, एट योर वर्क, एट योर समथिंग। अब ट्रैक होता कैसे है, हाउ यू गोना मेक अ ट्रैक ऑन योर माइंड। काम करना, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने बिजनेसेस भी चला रहे थे लेकिन वो स्टिल ये घर बैठ गए हैं और ये सोच रहे हैं कि बिजनेसेस उनके फ्लॉप हो चुके हैं या ऐसा कुछ हो चुका है। सो इट डजंट मीन दैट देयर इज़ सम काइंड ऑफ कंडीशन दैट फ्लॉप योर बिजनेस। नहीं, बिजनेस इट जस्ट लाइक अ रैंडम थॉट दैट यू ऑलरेडी हैड इन योर माइंड, दैट्स व्हाई यू आर रनिंग अ बिजनेस, यू आर रनिंग अ कम्युनिटी इनसाइड ऑफ योर बिल्डिंग, इनसाइड ऑफ योर स्टफ। कहने का मकसद क्या है, अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो इट मीन्स कि आपने अपना दिमाग यूज़ करके वो बिजनेस स्टार्ट किया था। अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इट डजंट मीन दैट यू आर गोइंग टू हैव दैट बिजनेस फॉर जस्ट सेक ऑफ मनी। नहीं, यू नीड टू चेंज द कम्युनिटी विद योर बिजनेस, यू नीड टू चेंज द कम्युनिटी विद योर स्टाफ, यू नीड टू चेंज द कम्युनिटी विद योर माइंड एंड माइंडसेट एज वेल। अब बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि लोग जिन पे काम भी कर रहे हैं लेकिन काम करने के साथ साथ वो ये भी सोच रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, इस बिज़नेस के साथ क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में बिज़नेस को प्रमोट कैसे करें। बिजनेसेस इज ऑल अबाउट हाउ यू गोना मेक द थिंग्स हैपनिंग विद इन योर सिस्टम एज वेल। एंड हम साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स भी लेते जाएंगे, सो दैट्स द ओनली वे आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट विद यू पीपल एंड योर स्टफ एज वेल। अब आपके कमेंट्स हमें ये भी बताएंगे, हाउ यू गोना फील व्हाइल इन दिस करंट सिचुएशन, हाउ यू गोना मेक योर सेल्फ कम्फर्ट व्हाइल इन दिस कमिंग सिचुएशन, हाउ यू गोना मेक योर सेल्फ लाइक। अगर आप सारे बिजनेसेस या बाकी सारी चीज़ों की बात की जाए तो वी आर ऑन द ज़ीरो, वी आर ऑल ऑन द स्टफ where we are going to start things। अब उन सारी चीज़ों के साथ हम क्या चीज़ लेके चलेंगे, उन सारी चीज़ों में हम अपने आप को डी ट्रैक करते हैं, ट्रैक के ऊपर आते हैं या अपनी सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब करते हैं। इट डिपेंड्स समटाइम्स बट इट ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। बिजनेस हो या काम हो, आपने अपने माइंड को किस तरह उसमें लेके जाना है, दैट इज़ योर कंसर्न। अब सपोज करते हैं कि अगर आप ये सोच के बैठ जाओ कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने घर पे हो एंड यू आर सेफ, आप अपने घर पे हो दैट यू आर रनिंग द कम्युनिटी एज वेल, आप अपने घर पे हो दैट इवन मेक यू मोर देन सेफ, सेफर देन एनीथिंग एल्स, लेकिन हाउ यू गोना से दैट यू आर सेफ एट योर प्लेस, हाउ यू गोना से दैट यू आर सेफ। क्योंकि आप इस डर से बाहर नहीं जाओगे कि आपने काम करना है, सो कोरोना शायद आपके साथ चल चल के घर आ जाएगा। इट्स फील लाइक द थिंग्स यू आर गोइंग टू हैव एट योर प्लेस, रनिंग एट योर प्लेस। तो आपको क्या लगेगा कि जो चीज़ आप कर रहे हो या जो चीज़ आपके साथ
लोग आपके साथ फिर रहे हैं या चल रहे हैं, तो क्या वो सारे एक सेम सिचुएशन में सफ़र कर रहे होते? इट्स नॉट लाइक दैट वे, इट्स नॉट लाइक द वे यू थिंक इट इज. इट्स लाइक आप जब किसी चीज़ को करने की सोचते हो तो इट मीन्स यू ऑल हैव सडन थिंग्स इन योर माइंड एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक इट. और आप उसको करने पर हर वो चीज़ से भी अपने आप को गुजार लेते हो जो शायद आपने कभी पहले नहीं की होती. लाइक इफ़ यू आर डूइंग द जॉब, आप जॉब किस लिए कर रहे हो? फॉर योर ओन सेक? नहीं, फॉर योर फैमिली, फॉर योर स्टाफ. इट मीन्स यू नीड टू सिक्योर योर थिंग्स रिगार्डिंग योर फैमिली एज वेल. इट मीन्स कि देर आर सम सर्टन स्टाफ दैट यू नीड टू नो अबाउट योर वर्क. अब माइंड को ट्रैक कैसे किया जाए? आप क्या सोच के उस पर जाएंगे ताकि आपको बाकी सारी चीज़ों की परवाह ना हो या बाकी सारी चीज़ें आपको तंग ना करें? देर आर सम सर्टन थिंग्स. पहली अगर चीज़ की मैं बात करूँ कि अगर आप ये सोच के जाएंगे बाहर कि देर इज़ सम काइंड ऑफ वायरस आउटसाइड एट योर होम दैट विल अटैक यू, इट विल नॉट गोना हैपन दैट वे अनटिल अनलेस यू इनवाइट दैट वायरस टू अटैक योर सेल्फ. जब तक आप उस वायरस को खुद से दावत नहीं देंगे, वायरस आपको कुछ नहीं कहेगा, चाहे वो किसी भी किस्म का वायरस हो. अगर आप ये सोच के अपने काम घर बैठ के भी नहीं करेंगे कि घर बैठ के हम कौन सा काम कर रहे हैं, घर में आपको कौन सी कोई इन्वायरमेंट मिली हुई है? सो लेट मी टेल यू अ सिंपल स्टोरी रिगार्डिंग द वर्क स्टाफ, रिगार्डिंग द पीपल हु हैड डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द वर्क वे. 1986 में एक पाकिस्तान एथलीट ओलंपिक्स में हिस्सा लेने जाता है. ही नो ही इज़ गुड इन रनिंग, ही नोज ही कैन बीट अ लॉट ऑफ पीपल, ही नोज ही कैन है, वो किसी को भी हरा सकता था उस टाइम, क्योंकि उसकी उस टाइम की जो स्पीड थी दैट इज इन 100 मीटर दैट इज 7.9 सेकंड एट दैट टाइम. ओलंपिक्स के सारे पहले जो स्टार्टिंग जो कंपटीशन होते हैं वो जीतता गया. पाकिस्तान के पास ऑलमोस्ट करीब करीब था कि वो गोल्ड मेडल बहुत इजीली जीत जाता. हुआ क्या? एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द ओलंपिक डे वन इन 100 मीटर्स ही वन द रेस इजीली. उसके लिए उस रेस को जीतना बहुत आसान हो गया था, लेकिन द पॉइंट कहां पे आके खराब हुआ? लास्ट फाइनल रेस उसकी बॉटल में किसी ने ड्रग्स ऐड कर दिए एंड ही ड्रिंक दैट वाटर. भागते वक्त उसको इस चीज़ का एहसास ज़रूर हो गया था कि उसकी बॉटल में कोई ऐसी ड्रग ऐड कर दी गई है जिसकी वजह से वो तेज़ी से नहीं भाग सकता. अब उसके पास दो कंडीशंस थे, या तो वो नीचे गिर जाता या वो अपनी रनिंग को कंप्लीट करता. अब दोनों सिचुएशंस में ही उसकी हार थी, लेकिन हार में भी डिफरेंस है. अगर वो उसी जगह पे वहाँ पे गिर जाता, इट मीन्स द पीपल ओवर देयर वॉज लाइक क्यों क्या वो बहाना करके किसी हार्ट अटैक का या कुछ कर सकता था, तो लोगों ने सिर्फ यही कहना था कि वो डर के ही आगे नहीं गया. इट मीन्स द फियर इज नॉट इन योर सेल्फ, द फियर द पीपल अराउंड यू दैट क्रिएटेड द फियर. उसने डिसाइड ये किया कि वो रेस में भागेगा, और रेस में भागने के साथ साथ चाहे वो लास्ट ही क्यों ना आए बट ही विल रन. और उसका डिसीजन ये था कि मैं इस रेस को कंप्लीट करूंगा. रेस स्टार्ट होती है तो उसकी स्पीड देखते हुए लोगों को ये आइडिया हुआ जैसे कि ये रेस जानबूझ के हारना चाहता है. देर आर लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान एट दैट टाइम वर कंसिस्टिंगली सेट के इसने ये रेस जानबूझ के हारनी है एंड ऑल अदर थिंग्स एज वेल. जो हमारी कम्युनिटी करती है द क्रिटिसाइज. अब ये उस कम्युनिटी को नहीं पता कि वट had happened to that athlete at the time when he drank that water. अब वो भागता है, भागने से उसको सांस भी चढ़ता है एंड वो अपने हालसुलेशन में भी चला, मतलब उसको गनूद की और इस तरह की चीज़ों में अपने आप को लेके जाना पड़ जाता है. वो भागता है और भागते भागते उसकी जो बॉडी है वो उसका साथ देना छोड़ती है, लेकिन वो अपनी हिम्मत से उस रेस को कंप्लीट कर लेता है. एंड उस रेस को कंप्लीट करने के बाद ही वॉज द लास्ट इन दैट रेस, बट दुनिया भर में उसका नाम जाना जाता है.
दुनिया भर में उस एथलीट का नाम बहुत लोग जानते हैं, जावेद खान, जो पाकिस्तान के लिए पहली दफ़ा भागा था उस टाइम पे। अब इसकी स्टोरी बहुत से कम लोग इस वजह से जानते हैं, इसकी स्टोरी ज़्यादा कैटर इस वजह से नहीं क्योंकि कि बाद में इसको ड्रग लेने की वजह से इसको विक्टिमाइज कर दिया गया कि इसने ड्रग खुद लिए थे टू मेक हिमसेल्फ टू रन फास्टर देन एनीवन एल्स, लेकिन ऐसा नहीं था। अब पॉइंट ये आता है, यस आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, प्रसिस्टेंस मैटर भी इसमें चीज़ें मैटर करती हैं, एंड वेलकम टू आवर सेशन, एंड दिस इज़ वन ऑफ माय बेस्ट कोलीग एंड फ्रेंड एज वेल, एमन सलीम, सो शी इज़ जस्ट एंड एज वेल एज अ गुड साइकाट्रिस्ट एंड द साइकोलॉजिस्ट एज यू कैन से। अब पॉइंट हम कहाँ पे लेके आते हैं कि हम अपने माइंड को ट्रिक क्यों कर रहे होते हैं। अब अपने घर से बाहर निकलते हैं, आप अपने घर से चीज़ों को करने के लिए निकलते हैं तो लोग ये कह के आपको डरा देते हैं कि दैट द वे इफ यू गो ओवर देयर दैट विल दैट वायरस कैन अटैक यू, वो वायरस आपको लग जाएगा ताकि और आपके घर वालों को वो चीज़ अटैच हो जाएगी, दैट इज़ इन योर ब्रेन एक्चुअली। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि डर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को सिर्फ डराता नहीं है बल्कि उसको घुट घुट के जीने पर मजबूर कर देता है। तो डर को आप ऐसे डरा दो कि डर भी अपने डर से पनाह मांगे और वो डर के भाग जाए। दिस इज़ अ सिंपल कोटेशन कि अगर आप डरोगे तो माशरा आपको और डराएगा, अगर आप डरने के साथ साथ आप बाकी सारी चीज़ें करना सीख जाओगे तो माशरे में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो आपको आपके काम करने से रोके। प्रिकॉशंस इज ऑलवेज देयर, प्रिकॉशन लाइक आप मास्क पहन के जा रहे हो, आप अपनी चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट इन द स्टफ आप कर क्या रहे होते हो, वट यू आर एक्चुअली डूइंग, वट यू आर एक्चुअली डीलिंग विद। पॉइंट ऑफ कंसर्न ये होता है कि आपके पास है क्या, हाउ यू गोना मेक योर सेल्फ कि हम उसको क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जब हम ये सोच के बैठ जाएं कि हम ये वाली चीज़ नहीं कर सकेंगे तो टू बी ऑनेस्ट आप अपने घर से एक कदम भी बाहर नहीं जा सकते, आप किसी भी जगह पे अपना काम नहीं कर सकते, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे वो इवन यू डोंट इवन ड्राइव द कार, गाड़ी अगर आपने चलानी है, अगर आप मोटरवे पे मूव कर रहे हैं, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द गोइंग ऑन द मोटरवे, तो मोटरवे पे आपने कंसिस्टेंटली ड्राइव करना, कंसिस्टेंटली यू नीड टू ड्राइव इन दैट स्पेसिफिक स्पीड जिसमें आपको नींद भी ना आए, जिसमें आप अपनी मंजिल मखसूस तक पहुँच भी जाए। अब पॉइंट क्या आता है, आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे कैसे, आपको अगर रास्ते में नींद आना शुरू हो गई है तो इट मीन्स यू नीड टू स्टे फॉर अ वाइल, यू नीड टू स्टे एट सम प्लेस। होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक जगह पर रुक जाओगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लोगे, वो जो रेस्ट है दैट विल मेक यू फ्रेश। इसी तरह आपका ब्रेन एक्चुअली बहुत से चीज़ों को साथ साथ लेके चल रहा होता। अब एक जो एक हाउस मैन होता है, अगर बात की जाए, जो पूरे घर का होल्ड रखता है, पूरे घर को चलाने की कोशिश कर रहा होता है, अगर उसको ये बता दिया जाए कि अगर बाहर जाओगे तो आपके साथ ऐसा कुछ होने के इम्कान हैं, तो वो डर के इस वजह से नहीं बैठ जाएगा कि वो बाहर जाके काम नहीं कर सकता, वो डर के इस वजह से बैठ जाएगा कि उसको ये डर होगा कि उसकी वजह से उसके घर वालों पे कोई आफत या मुसीबत ना आ जाए। आप में से बहुत से ऐसे लोग बहुत सी डिग्रीज हासिल करके भी सिर्फ एक छोटी सी बात पे डर के बैठ जाते हैं कि दैट समथिंग आउट देयर दैट विल गोना अटैक यू। काम पे आपका ध्यान क्यों नहीं जाता, अगर हम सिंपल इस कोविड की सिचुएशन को हटा के बात करें, काम एक्चुअली है क्या, काम इज़ नॉट लाइक यू आर गोइंग टू अर्न द मनी, द वर्क जो काम आप करते हो दैट इज़ यू गोइंग टू अर्न योर सेल्फ, आप अपना नाम बना रहे हो, आप अपनी सेल्फ एस्टीम बना रहे हो, आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, इट मीन्स कि यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर स्टफ, यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर कम्युनिटी। जैसे कि अगर आपने आज कुछ किया दैट इज़ यूनिक,
तो पहले तो आपको कम्युनिटी क्रिटिसाइज़ करेगी कि ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं चल सकता, ये ऐसे नहीं कर सकते, ये ऐसे नहीं किया जा सकता। पॉइंट ये है कि वही कम्युनिटी आपको कुछ देर बाद आपका नाम ले लेके लोगों को बताएगी कि फलां बंदे ने ये काम ऐसे किया था, तो तू भी ट्राई कर। इट मीन्स कि कम्युनिटी ने पहली दफ़ा आपसे एक्सपीरियंस लिया एंड आपकी बाद में परफॉर्मेंस को चेक किया उन स्पेसिफिक टास्क के ऊपर जो आपने परफॉर्म किए थे उनके सामने। इट मीन्स द यूज़र इट्सेल्फ, इट्स अ कम्युनिटी इन विच यू आर गोइंग टू टेस्टिफाइड योरसेल्फ, इन विच यू आर गोइंग टू टेस्ट योरसेल्फ, इन विच यू आर गोइंग टू टेस्ट योर स्किल। अब आपने अपनी स्किल भी टेस्ट कर ली, आपने कम्युनिटी को भी टेस्ट कर लिया, तो लोग फिर उसी तरह की चीज़ें अपने स्टार्टअप में ऐड कर देते। जैसे YouTube पे लोगों ने वीलॉग्स, ब्लॉगर्स, ये सारा कुछ स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, पहले लोगों ने क्रिटिसाइज़ ये किया कि जी YouTube पे ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, अब से भी चल रहा है, ये भी चीज़ें चल रही हैं, ये भी चीज़ें चल रही हैं। बट व्हेन अ सिंगल पर्सन हैड डिसाइडेड टू कम ओवर टू केम अप विद द YouTube आइडिया, नो वन वॉज ओवर देयर टू अप्रिशिएट दैट पर्सन। एवरी वन इज़ लाइक दैट्स नॉट अ गुड पॉइंट, दैट्स नॉट अ गुड डील। तो क्या हुआ, आज पूरी दुनिया यूट्यूब को वॉच करती है, आज पूरी दुनिया यूट्यूब को देखती है, फेसबुक को हम इतना क्रिटिसाइज करते हैं, टुडे वी आर लाइव ऑन द फेसबुक। इट मीन्स कि काम जो लोग कर भी रहे होते हैं उनको लोग क्रिटिसाइज करने आते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि यू हैव टू स्टे एट योर प्लेस कि आप ये काम नहीं कर सकते। जब कोई आपको आके ये काम कहे कि आप ये काम नहीं कर सकते या कर सकती, तो इट मीन्स यू need to challenge those people कि हाँ मैं कर सकता हूँ। When you have decided कि आप ये कर सकते हो, which means दुनिया की कोई भी power रोक नहीं सकती कुछ भी काम करने के लिए। अगर मैं एक और example quote करूँ, Google ने पिछले दिनों एक data sheet निकाली थी जिसमें एक challenge था deep fake faces के नाम से। मतलब वो लोग ऐसे थे जो ना दुनिया में आए, ना कभी पैदा हुए, ना कभी उनको देखा गया, बट उनका डेटा सेट क्रिएट किया गया। YouTube had created the specific डेटा सेट। वो डेटा सेट है क्या? वो लोग आपको आपके बीच में ही उड़ते हुए मिलेंगे, आपके बीच में ही चलते हुए नज़र आएंगे। अगर वो लोग कभी आए ही नहीं दुनिया में, तो उनका डेटा उनके पास कहाँ से आया? मतलब उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो उन्होंने वो डेटा सेट क्रिएट किया था। क्या आपको क्या लगता है कि बाहर के लोगों के पास दिमाग जो है वो कुछ डिफरेंट तरह काम करता है? नहीं, जो चीज़ आप यहाँ पे सोच रहे होते हो वही चीज़ वो सेम वहाँ पे सोच रहे होते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि हम इम्प्लीमेंट करने से कतराते हैं, वो इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट को देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। वो इम्प्लीमेंट करके उस चीज़ का एनालिसिस करते हैं कि इसके बाद आने वाले टाइम में मेरे साथ क्या होगा अगर मैं ये चीज़ परफॉर्म कर देता हूँ। इट मीन्स कि वो काम के ज़रिए सीखते हैं, वो काम करने के बाद चीज़ों को एनालिसिस करके उसका अंदाज़ा लगा के उसको इम्प्रूव करते हैं और फिर मार्केट में दोबारा उसी चीज़ को रीलॉन्च करते हैं। लाइक अगर एग्जाम्पल ये सेल फोन्स की, आपके पास डिफरेंट कार्स एंड डिफरेंट वेंडर्स ऑफ कार्स हैं, इट मीन्स कि द पीपल ऑल अराउंड यू आर एक्सपीरियंसिंग द स्टफ। वो स्टफ़ एक्सपीरियंस करने के बाद ही वो लोग मार्केट में अपना लोहा मनवा चुके होते हैं। हमारे यहाँ पे कम्युनिटी में ये कहा जाता है, अगर काम नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर काम नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। वो काम है क्या जो आप करना चाह रहे हो? वो काम है क्या जो कम्युनिटी आपसे करवाना चाह रही है? कम्युनिटी तो वो काम करवाना चाहेगी जिस पे वो चल के किसी एक्सपीरियंस तक, किसी भी परफॉर्मेंस तक नहीं पहुँचे। कम्युनिटी आपको डाइवर्ट करेगी टूवर्ड्स दैट वर्क। आपने ये सोचना है आज की डेट में कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ। अगर आप अपने बारे में ये सोचने पर कामयाब हो जाते हो कि आप अपने आप से क्या चाहते हो, देन यू आर एबल टू टेक अ पार्ट इन द कम्युनिटी। तब आप अपनी कम्युनिटी को बहुत ईजिली समझा सकते हो कि ये एक स्पेसिफिक चीज़ है, इससे उस कम्युनिटी का भी फायदा होगा। लाइक अगर हम ये सेल फोन्स की बातें करें, ये सेल फोन्स मार्केट में आते हैं, तो सेल फोन से कम्युनिटी का ही फ़ायदा हुआ है। एक ऑनर जिसने एक सेल फोन ईजाद किया था, वो अपने लिए भी रख सकता था, अपने कुछ लोगों के लिए रख सकता था, लेकिन व्हेन ही इन्वेंटेड दिस सेल फोन, उसने अपने लिए ही चीज़ नहीं रखी, उसने
मार्केट में ये चीज़ थी। आज से आज बहुत लोग इस सेल फोन को बुरा भी समझते हैं, आज बहुत लोग इस सेल फोन को अजीबोगरीब भी समझते हैं कि इससे ये चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है, ये चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है। कुछ पेरेंट्स हमें कहते हैं हमारे बच्चे इस सेल फोन की वजह से ख़राब हुए। सेल फोन की वजह से कोई ख़राब नहीं होता, सेल फोन में जो मटेरियल होता है उस वजह से ख़राब होते हैं। पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को सेल फोन लेके देते हैं तो इट मीन्स कि उनकी सिर्फ जिम्मेदारी वहाँ तक ख़त्म नहीं होगी कि उन्होंने हाँ एक सेल फोन ले लिया, दैट इज़ इनफ। दे नीड टू चेक दिस देयर चिल्ड्रन कि वो कर क्या रहे हैं उसके ऊपर, उस उन एप्लीकेशंस का उनकी ज़हनियत पर क्या असर पड़ता है। जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी सारा दिन बैठ के ये लोग पबजी खेल रहे होते हैं, ये ऐसे कर रहे होते हैं, ये ऐसे कर रहे होते हैं। ठीक है, पबजी इज़ नॉट दैट गुड फॉर द चिल्ड्रन एज वेल, नॉट इवन फॉर एडल्ट्स। जब तक हम अपने माशरे में ये चीज़ नहीं ख़त्म कर देंगे ना, भाई तुम ये काम कर रहे हो दैट इज़ नॉट अ गुड वन, तुम ये काम कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट अ गुड वन, मैं ये कर रहा हूँ दैट इज़ अ गुड वन एंड दैट इज़ अ बेस्ट एंड दैट इज़ अ परफेक्ट फॉर एवरी वन। जब आप अपनी मैं को किसी पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका अपना भी काम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। आप अपने काम से जब काम रखना बंद कर देंगे, किसी के दूसरे काम में आप इंडल्ज या इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, तो आप अपने काम को भी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। काम को प्रॉपरली परफॉर्म करना मीन्स कि आपका अपना काम क्या है जिससे आपने प्रॉपर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर ये होता है कि हम दूसरों के काम देख के अपने कामों को चेंज करने की कोशिश में लग जाते हैं। हम काम चेंज कर लेते हैं लेकिन हमें फिर वैसी चीज़ें नहीं इन रिटर्न मिल रही होती, तो हम ये सोच रहे होते हैं कि अब उसके पास ऐसा कुछ क्या था जो मुझे नहीं मिल रहा, मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ। उसके पास एक चीज़ थी करेज, लगाओ अपने काम से। उसके बाद उसका इंटरेस्ट था उस काम में जो वो कर रहा है, आपने तो देख के वो काम स्टार्ट किया। जब आपका खुद का अपनी मैं ये बोलेगी कि आप इस काम से सेटिस्फाई होते हो तो वो आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको पूरी दुनिया की पावर भी मिल जाए तो आप पूरी दुनिया की वो पावर को नहीं चला सकते क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। जब आपका अपना इंटरेस्ट उस काम में नहीं है तो नो वन इज़ एबल टू वर्क विद यू, नो वन इज़ एबल टू पुश यू। क्योंकि जो बंदा अपना काम कर रहा है अपनी मैं के साथ, दैट इज़ द ओनली पर्सन दैट कैन हेल्प यू डाउन इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट इज़ द ओनली पर्सन दैट कैन मेक यू अवे फ्रॉम दैट कम्युनिटी जो आपको क्रिटिसाइज करती है। अगर आपका अपने काम में लगाव नहीं आता, इट मीन्स कि आप खुद से कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप खुद से अपने आप को नहीं लेके चल पाओगे। तो आज की डेट से आपने एक ये चीज़ करनी है कि आपने दूसरों के कामों को देख के अपना काम चेंज नहीं करना, दूसरों को देख के आपने अपनी चीज़ों को चेंज नहीं करना। आपने गेम खेलनी है काम के दौरान, आप ठीक है कुछ देर के लिए अपने माइंड फ्रेश करने के लिए गेम खेलो, लेकिन उस गेम को अपने काम पे हावी नहीं होने देना। इट्स ऑल अबाउट द डार्कनेस इनसाइड योरसेल्फ दैट वाज लिविंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब वो डार्कनेस क्या है? काम से भागना। वो डार्कनेस क्या है? सुस्ती। वो डार्कनेस क्या है? कि आप एक जगह पे बैठने के बाद उठना नहीं। क्यों? कोई बंदा आके आपको नहीं उठाएगा, कोई बंदा आके आपको हिला के ये नहीं कहेगा यू हैव टू गो टू योर ऑन वर्क। कोविड सिचुएशन ने ये चीज़ क्रिएट कर दिया है कि आपको ना सिर्फ सुस्ती वाली साइड पर ले आए बल्कि आपको एक डरावा भी आप में पैदा कर दिया। वो डरावा ऐसा डरावा बन चुका हुआ है कि अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप इस काम को हाथ लगाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके साथ हो जाएगी, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप एक कम्युनिटी के पार्ट से बाहर निकल जाएंगे। कल को लोग आपका नाम नहीं जानते होंगे, कल को लोग आपको पहचानते नहीं होंगे, कल को लोग आपको पूछेंगे नहीं। अगर आप ये सोच के आज काम से भागते हैं कि कल को लोग आपको पूछेंगे कि यार ये काम क्यों नहीं कर रहा, ये काम क्यों नहीं इसने किया, तो टू बी ऑनेस्ट नो वन इज़ गोइंग टू आस्क अ सिंगल थिंग, अ सिंगल पॉइंट। उनका कंसर्न सिर्फ ये है कि आप अगर ये काम कर रहे हो तो वो काम क्या है, क्यों है, और इस काम से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। द ओनली पीपल इंटरेस्टेड इन योर अर्निंग, द ओनली पीपल इंटरेस्टिंग इन योर कि आप इस के साथ कमा कितना रहे हो, आपको फ़ायदा कितना हो रहा है। लोग आपकी भी तब तक इम्पोर्टेंस को याद रखते हैं जब तक आप उस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक सीट पे आप उस टास्क को परफॉर्म कर रहे होते। अगर आप वो टास्क परफॉर्म नहीं करोगे, नो वन इज़ एबल टू रिकग्नाइज योर नेम आफ्टर अ वीक।
कोई भी आपको नहीं जानेगा, चाहे वो आपका अपना दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके अपने फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, नो वन इज एबल टू रिकग्नाइज योर नेम एज दैट पर्सन यू वर बिफोर। तो कहने का मकसद ये है आज के सेशन का कि काम से अगर आप भागने लग जाएंगे तो काम आपके पीछे खुद नहीं भागेगा, वो काम उसी टाइम पे किसी और को असाइन हो जाएगा। आप काम कर रहे हो, आप थक जाते हो, मेक अ वॉक, वॉक नहीं करनी, अपनी चेयर पे बैठना है, ड्रिंक सम वाटर, पानी पास नहीं है, पानी पीने का दिल नहीं कर रहा, मेक अ लिटिल चैट विद योर फ्रेंड, लेकिन उस चैट में आपने उसका उसके काम के बारे में नहीं पूछना, हाउ दैट इज गोइंग टू योर वर्क एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अगर वो भी नहीं आपने करना तो मेक सम अ लिटिल गेम जिसमें आपको कोई मोटिवेशन मिले, नॉट द पबजी, नॉट द गेम लाइक वॉर ऑफ टेरर एंड ब्ला ब्ला जिसमें आप सिर्फ शूटिंग करते हो, मेक समथिंग लाइक अ यूनिक। मैं अपने अगले सेशन में आपको बताऊंगा कि हाउ यू मेक अ गेम इनसाइड ऑफ योरसेल्फ, आप उस गेम को खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हो ऑन जस्ट अ पेपर, वो आइडियाज आप मार्केट में कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइक इफ यू नीड टू टेक अ रेस्ट फ्रॉम योर वर्क फॉर अ वाइल फॉर 5 to 10 minutes, आपके पास जो अपना आइडिया है वो आप या तो मीडिया पे शेयर कर दो या आप उसको राइट डाउन कर लो किसी जगह। When you are going to write down your stuff on your diary, on your stuff, तो आप ये खुद देखोगे the idea you are going to have that will help you to sort down a lot of things, a lot of problems. अगर आज की situation में हम ये जान लें ना कि problem क्या है तो हमारी बहुत सी चीज़ें solve हो जाएंगी। COVID-19 is not the problem. It's all about the mindset that the community had created. The community had created in you and you are the people who are following that community के मेरे साथ ये हो जाएगा अगर मैं ये काम करूँगा, जबकि ऐसा to be honest इतनी आसानी से possible नहीं है। So आज के session को हम यहाँ पर end करते हैं, और जाने से पहले, काम करने से आपका काम बिगड़ेगा नहीं, उसकी आप solution ढूँढोगे, उसमें से आप चीज़ों को find out करोगे। It's all about you're going to have something in your work that will help you to boost your community and as well as your skills. जब आप अपनी skills को, अपनी community को boost up करना start हो जाओगे, that will help you down in a lot of things which make you feel proud one day. तो काम से भागना, it's not the solution. काम को मज़ेदार बनाना is the solution. और मज़ेदार कैसे बनाया जा सकता है, वो पहले, अगर जाने से पहले छोटी छोटी बातें बताता जाऊँ, किसी के काम में जो आपका इवन कोलीग भी है उससे ये नहीं पूछना कि वो काम क्या कर रहा है या उसका काम कैसा जा रहा है। इफ़ दैट फेलो ऑफ योर नीड हेल्प, हेल्प देम, अदरवाइज जस्ट अ लिटिल चैट। मेक योर सेल्फ इनोवेटिव, आप अपने काम से इनोवेटिव आइडियाज़ को जनरेट करो एंड पोस्ट इट ऑन समथिंग लाइक, देन अपनी आइडियाज़ को शेयर करो उस बंदे से जो आपके आइडिया को अप्रिशिएट करता है, नॉट दैट पर्सन जो आपके आइडिया को पकड़ के दबा देगा, बाद में अपने नाम से वो आइडिया लॉन्च कर जाएगा। एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन, व्हेन यू आर गोइंग टू फील लाइक अ डेजी और स्लीपिंग समथिंग लाइक एट योर वर्क, टेक अ वॉक। अब ये वॉक वो नहीं है कि आप उठ के चल दो तो वापस आने का नाम ही ना लो, take a little walk and just go back to your seat, या उठ के आप पानी पी लो, या कुछ भी एक एक्टिविटी, छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म कर लो, इवन मेक थिंग्स विद द पेपर, द ओनली एक्टिविटी, द ओनली परफेक्ट एक्टिविटी यू गोइंग टू हैव एट योर वर्क, पेपर से कुछ चीज़ें बना लो या पेपर पे कुछ बना लो, दैट विल गोना हेल्प यू डाउन इन लॉट ऑफ थिंग्स वाइल यू आर गोइंग टू हैव ऑन योर वर्क। क्योंकि जब तक आप अपनी गाड़ी को सही से चलाना नहीं सीखोगे, आप अपनी मंजिल तक कभी भी सही सलामत नहीं पहुंच सकोगे। सो यू जस्ट हैव टू डिफीट योर डार्कनेस इनसाइड ऑफ योरसेल्फ एंड देन मेक दैट डार्कनेस मूव टूवर्ड्स द लाइट। व्हेन यू आर एबल टू रिमूव योर डार्कनेस एंड मेक द लाइट हैपन इनसाइड ऑफ यू, मतलब सीरियल फाज में, अगर आप अपने इस सुस्ती को, बाकी सारी चीज़ों को अपने काम से कन्वर्ट कर लोगे, अपने काम को ही ये सारा कुछ समझना शुरू हो जाएगा, दैट इज़ योर वर्क इज़ अ फन,
देन यू कैन डू एनी थिंग यू वॉन्ट टू, क्योंकि कोई भी बाहर की कम्युनिटी का बंदा अलग से दिमाग लेके नहीं आया. मे बी दैट इज़ नॉट दैट शार्प एन दैट यू हैव. सो इस सेशन को आज एंड करते हैं, और आने वाले सेशन में आपको बताया जाएगा कि हाउ यू गुना मेक योर सेल्फ अप टू वर्ड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो सी यू इन नेक्स्ट सेशन. सो स्टे ट्यून्ड विद द सक्सेस मैप एंड फॉर द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.